चलो बच्चों, आज एक नया कॉन्सेप्ट लेके मैं आया हूं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। सो यहाँ 2^n + 4 - 2 2^n / 2 2^n + 3 है। सो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, जो पावर है ना उसको स्प्लिट करना है। पावर को क्या करना है, स्प्लिट करना है। सो यहां हमें ये समझना है कि x^m + n है तो बच्चों x^m (x^n) ये वाला सिंपल वाला लॉजिक यहां हमें अप्लाई करना है। सो 2^n + 4 - 2 2^n / 2 2^n + 3 है तो बच्चों यहां क्या करेंगे, 2^n (2^4 - 2 2^n / 2 3). अब यहां से ऊपर से 2^n कॉमन निकालेंगे तो बच्चों यहां क्या रहेगा, 2^4 - 2 रहेगा। और यहां से 2^n बाहर निकालेंगे तो अंदर 2 और 2^3 रहेगा बच्चों। अब 2^n (2^n) कैंसिल। अब 2^4 कितना होता है बच्चों, सो 2 4 times होता है तो बच्चों आंसर 16 - 2 / कितना रहेगा इधर 2 और ये 8 8 2 16 बच्चों फिर से, सो 14/16 बच्चों, सो ये 7/8। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने बच्चों और फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।